हेलो एंड वेलकम गाइस। तो कैसे हो आप लोग? वेलकम टू न्यू ब्लॉग वीडियो। स्वागत है आप सबका हाजी अली के इस दरगाह का। न्यू ब्लॉग वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। हम पहुंच चुके हैं हाजी अली दरगाह के पास। अब यहां से हम अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। हमने बैंड्रा कॉलोनी से 87 बस की सफ़र शुरू किया और वत्सला बाई बस स्टॉप पर उतरा। ये बस स्टॉप बिल्कुल ही समुद्र के किनारे है और यहाँ से जो हाजी अली दरगाह है लगभग 1.5 किलोमीटर समुद्र के अंदर है। और ये जो रास्ता है इधर जो है कंस्ट्रक्शन एरिया चल रहा है और यहाँ पे दुकानें भी है रास्ता में और यही नज़ारा है। हम जाएंगे दरगाह की ओर, तो चलिए देखते हैं क्या है उधर। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, इसलिए दोनों तरफ से रास्ता भर छोड़ करके बाकी ये दीवार घेराबंदी बनाया हुआ है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हम लोग समुद्र में उतर चुके हैं लेकिन नेचर का फील नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन एरिया एंड ये किनारे किनारे छोटी मोटे रेड़ी पटरी वाली मार्केट है। हालांकि यहाँ से अब आपको कुछ थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा उधर, और ये भैया हैं दोनों साथ में घूमने के लिए आए हैं हम सब। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो गाइस, यही है हाजी अली दरगाह का नज़ारा और यहाँ पर आप जब भी आएंगे तो अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल जाएगी। आप बस के अलावा यहाँ पे लोकल ट्रेन से भी पहुँच सकते हैं। आप दादर से वेस्टर्न लाइन की जो ये है ट्रेन है उसको पकड़ करके और आप महालक्ष्मी स्टेशन जो है वहाँ उतर करके वहाँ से आसानी यहाँ तक आ सकते हैं, आसानी से पहुँच सकते हैं। और यहाँ पर अभी ये रास्ते का नज़ारा है और भीड़ आपको कम देखने को मिल रही, लेकिन जैसे जैसे ये इवनिंग होते जाएगा इवनिंग में ज़्यादा भीड़ बढ़ती जाती है। अभी भी अच्छी खासी संख्या है यहाँ पर लोगों की। और हम चलेंगे आगे और नज़दीक से दिखाएंगे हाजी अली का जो भी है खूबसूरती और समुद्र की खूबसूरती। और इस को हम पहुंच चुके हैं हाजी अली दरगाह के मेन द्वार पे, मेन गेट पे। और ये खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं कि जो तटीय क्षेत्र कोस्टल एरिया है वहाँ से कितना समुद्र के अंदर में ये दरगाह बसा हुआ है। पर्यटन का एक अच्छा माध्यम है और नेचर को आप फील कर सकते हैं। आप दोस्तों, आप सबों से एक इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि इसको ग्रो किया जा सके। आप सभी दर्शक मित्रों को एक बात बताना चाहूँगा कि दोस्तों, मेरे पास कोई प्रोफेशनल कैमरा नहीं है, मेरे पास एक सस्ती सा स्मार्टफोन है जिसका उपयोग करके मैं आपके लिए ब्लॉग बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ ब्लॉग। और आपका सपोर्ट अगर रहेगा तो ये चैनल को ग्रो करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। बहरहाल इन बातों से परे होकर के हम आपको दरगाह का जो सीन है, जो मज़ार का दृश्य दिखाने जा रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे कैमरा है और वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, लेकिन आप सब प्यारे दर्शकों के लिए इतना रिस्क तो बनता है। साथ में जो दो भैया थे वो अंदर गए दर्शन के लिए। अब हम चलते हैं दरगाह के पीछे साइड वाला नज़ारा को देखने। और ये है दरगाह का पिछला जो बैक साइड का नज़ारा है। यहाँ सीढ़ी बना हुआ है और सीढ़ी से लोग नीचे उतर करके पानी और चट्टान और प्रकृति के साथ एंजॉय कर रहे हैं। और मैं भी सीढ़ी से नीचे चलता हूँ और नीचे का विजुअल्स को आपको दिखाऊंगा। और ये है प्रकृति का बेहद खूबसूरत नज़ारा। अब फिलहाल इंडिया में विंटर सीजन चल रहा है और ये समुद्री हवाओं की सरपट लहरों के साथ लोग यहाँ पे धूप सेक रहे हैं। दरगाह के लेफ्ट साइड से कुछ इस तरह का व्यूज़ और विजुअल्स नज़ारा देखने को आपको मिलेगा। और यही है दरगाह, यहाँ श्रद्धा और आस्था से भरे हुए लोगों के साथ यहाँ पे पर्यटकों की भी अच्छी खासी संख्या आपको देखने को मिलेगी। और ये खूबसूरत नज़ारा है मज़ार का। और यहाँ पर फाइनली भैया लोग से भी भेंट हो गया।
एक बार फिर से मैं कैमरा को समुद्र की तरफ ले चलूँगा और दिखाऊँगा कि जो मुंबई का जो समुद्री लहर है वो अंदर से बाहर की ओर फेंकता है। चलिए आपको लेके चलते हैं शेर व शायरी की तरफ। आप मेरे ब्लॉगिंग स्पीच से शायद पक गए होंगे, तो आपका मूड चेंज करना बनता है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना अपनी मौज में रहना। एक्चुअली मैं पता नहीं ये जो शायरी है किसके द्वारा रचित है। कई बार सोशल मीडिया पर हरिवंश राय बच्चन के नाम से इसको चेप दिया जाता है, लेकिन यहाँ मैं इन लाइनों को अज्ञात के रूप में पेश किया हूँ। अगर आपको वास्तविक रचनाकार का नाम पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मुझे भी जानकारी दें। प्रकृति के खूबसूरत नज़ारा और इस पक्षी के उड़ान के साथ इस ब्लॉग को हम अंतिम पड़ाव तक ले चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद।